फेसबुक पर दोस्त बनाने वाली एक युवती ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को वीडियो कॉल किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। इस मामले में अजनी पुलिस ने पायल जोशी नाम की लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक डॉक्टर को पायल जोशी नाम की लड़की का फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और डॉक्टर ने उसे स्वीकार किया। 2-3 दिनों तक दोनों ने फेसबुक पर बातचीत की। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दिए। 20 अगस्त की आधी रात के करीब पायल ने डॉक्टर को मैसेज किया और अश्लील बातें की। पायल ने आधी रात के बाद एक वीडियो कॉल किया। अगले दिन पायल ने डॉक्टर से फोन लेने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। बदले में उसने रात में फिर से वीडियो चैट करने का लालच दिया। डॉक्टर ने तुरंत उसके बैंक खाते में 10,000 रुपए जमा करा दिए। इस तरह पायल को यकीन हो गया कि शिकार जाल में फंस गया है। आधी रात को फिर डॉक्टर और पायल ने अश्लील वीडियो कॉल किए। पायल ने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन उसने डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो अपलोड कर दिया। उन्होंने पायल को फ़ोन कर घटना की जानकारी ली। उसने वीडियो डिलीट करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। बदनामी के डर से डॉक्टर ने तुरंत उसके खाते में पैसे जमा करा दिए। 1 घंटे के अंदर पायल ने फिर फ़ोन किया और 1,00,000 रुपए की मांग की। डॉक्टर ने उसे मना कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों और अन्य डॉक्टरों को अश्लील वीडियो भेजने की धमकी दी तो डरे हुए डॉक्टर ने फौरन उसके खाते में 1,00,000 रुपए जमा करा दिए। पायल के पैसे की मांग बढ़ने के बाद डॉक्टर डर गए और तनाव में रहने लगे। डॉक्टर ने अपने एक डॉक्टर दोस्त से 1,00,000 रुपए की मांग की तो डॉक्टर के दोस्त ने पैसे देने की तैयारी दिखाई लेकिन कारण भी पूछा। डॉक्टर ने अपने दोस्त को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया तो डॉक्टर ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पायल जोशी नाम की युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।